मेरे बहुत सारे यादव फ्रेंड हैं, मेरा एक पहला कॉमन सवाल होता है जो इनसे भी कर रहा हूँ, कौन से वाले यादव, ललित सिंह वाले यादव या कृष्ण जी वाले यादव, कौन से वाले यादव? नहीं, आपने मेरा परिचय जो दिया उसमें तय हो गया कि मैं तो ललित सिंह वाला। लेकिन ऐसा नहीं है कि बटे हुए हैं यादव, जानते हैं इस देश में जैसे दलितों में भी ऐसा नहीं है कि पूरे देश के 15% दलित एकदम बाबा साहब के सपनों का भारत बनाने पर लगे। भाई इस समय देश के बहुत सारे दलित संघ की शाखाओं में भी जा रहे हैं, आदिवासी जा रहे हैं और बीजेपी में भी है जी। वो जहाँ 2 अप्रैल का भारत बंद करना पड़ा तो जितने लोग सत्ता में बैठे थे और जिसको कांशीराम कहते थे कि चमचा युग वाला आया है, तो ये जो चमचे बन के गए थे उनमें से कोई 2 अप्रैल के भारत बंद में सड़क पर नहीं था। 5 मार्च का भारत बंद जो रोस्टर पर हुआ था उस पर कोई नहीं आया, वो तो सत्ता के लोग थे। हमारा कहना ये है कि हमें जो बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार की विरासत है, ललित सिंह यादव की चंद्र, उसको धीरे धीरे लोगों तक ले जाना है, क्योंकि धर्म तो इस देश में बहुत पहले से बहुत तरीके से फैलाया गया। तो जितने ओबीसी हैं, चूँकि ओबीसी की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए जब ओबीसी और कल्चरली उतना साउंड उस तरह से इसलिए नहीं रहा क्योंकि वो वंचना नहीं झेला। ओबीसी समाज जो वंचना दलित समाज और आदिवासी समाज झेला, उतना ओबीसी को नहीं झेलना पड़ा। इसलिए धीरे धीरे एक सांस्कृटाइजेशन का प्रोसेस आएगा। धीरे धीरे बाबा साहब को भी इस देश में लागू करने में, किताबें छापने में, जन आंदोलन का चेहरा बनाने में 40 साल लगे। 1950 में भारत आज़ाद हुआ, 1980 के आसपास पहली बार पब्लिकेशन आया उनका समग्र प्रकाशन, 90 में भारत रत्न मिला, जन आंदोलनों में मान्यवर कांशीराम लेकर के पूरे भारत में खड़े हुए। 50 साल तो वहाँ लगा, थोड़ा यहाँ लगेगा। ललित सिंह यादव भी आएंगे, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु आएंगे, जगदेव बाबू आएंगे, रामस्वरूप वर्मा आएंगे, लोहिया आएंगे, ये सारे मिल करके ओबीसी समाज में अब सब कांवड़ लेके नहीं जा रहे। हाँ, लेकिन ओबीसी शिकायत हम लोग इसलिए ज़्यादा करते हैं कि आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है, और जिस दिन आप अगर सांस्कृतिक तौर पर सजग हो जाएंगे, पूछिए सवाल, मैं तो उनसे ये कहता हूँ कि तुम कृष्ण की पूजा करते हो करो, मेरे सवाल का जवाब दे दो कि अगर तुम 52% हो 31 की जनगणना में और तुम छत्री भी रहे, छत्री वो लोग इसलिए भी कहते हैं क्योंकि उनके राजवंश रहे, तो हम एकदम शूद्र नहीं है, मान लिया नहीं है शूद्र, तो जज क्यों नहीं बने, वकील क्यों नहीं बने, प्रोफेसर क्यों नहीं बने, ये गंगाजल से क्यों धुलवाया उनका अखिलेश यादव का आवास। जब कर्पूरी ठाकुर ओबीसी थे, बिहार में मुख्यमंत्री थे, राम नरेश यादव ओबीसी थे, यूपी मुख्यमंत्री, और दिल्ली से किसने नारा बनाया? तो सारे लोग जो नारा लगाए कि भाई दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश और बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावे राम नरेश, जाति के नाम पर उत्पीड़न पिछड़े तबके का किया गया। अब यादवों में, अब देखिए अभी आपके बीच में आए थे ना, जहां हम लोग खड़े हैं, गाजियाबाद बार एसोसिएशन के नाहर सिंह यादव जी बाबा साहब पर कार्यक्रम कर रहे हैं, और अब देखिए देश बदल रहा है। राहुल जी, हमने दिल्ली विश्वविद्यालय में जब बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार का नारा लगाया ना, तो ओबीसी दलित आदिवासी पसमानदा महिला ये बहुजन एका बनाई थी हमने, और वो बन रही। पश्चिम का यादव आपको कहता है कि असली यादव नहीं? नहीं, पश्चिम का ऐसा भी नहीं है, पश्चिम में बहुत जगह वो मुझे बुला चुके हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। हाँ, पश्चिम में क्या है ना कि थोड़ा सा ज़मीन ज़्यादा है, पैसा है, संपन्नता है, वो वंचना उस तरह झेले नहीं है ना जाति के नाम पर, तो इसलिए धीरे धीरे हमें ये समझाना होगा। जब ज़मीन की कीमत घटती जा रही है, बिजनेस व्यापार चौपट होता जा रहा है, तो आप भी देखेंगे कि अच्छा आप तो ताकतवर थे लेकिन देश चलाने में आप कहाँ हैं, आपके व्यापारी कितने हैं, आपके उद्योगपति कितने हैं, प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर। जैसे ये सवाल जाट गुर्जर यादव कुर्मी कोयरी इन सब जातियों में जाएगा, उनके मन में एक बेचैनी पैदा होगी। बिक रहा है सब, पूरा देश जब बिक रहा है तो बिकेगा उनका भी भविष्य। सर वो तो कह रहे हैं लेकिन धर्म तो बच रहा है, मंदिर बच रहा है, मंदिर की राजनीति हो रही है, गाय की राजनीति हो रही है, वो वहाँ मस्त है, उसको जो आप कह रहे हो उसकी जरूरत ही नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि देखिए धर्म के नाम पर हिंसा करने वाला बहुत गरीब कमजोर तबका नहीं है, एक बीच का वर्ग ऐसा है जिसका पेट भरा हुआ है, उसको कुछ पैसा दे करके हिंसा करवाई जाए, जिसके पास कुछ नहीं है खोने को ना, वो पेट भरने के लिए मजदूरी करने जा रहा है, उसमें दलित पिछड़े आदिवासी सब हैं, सवर्ण भी थोड़े थोड़े हैं, और जो बहुत ताकतवर हैं उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे हिंदू धर्म बचाने नहीं जाते, वो तलवार लेकर के मस्जिद पर अटैक करने के लिए बहुत ऊपर के वर्ग के नीचे के वर्ग के लोग नहीं हैं। ये जो बीच में एक तबका ऐसा है जिसका थोड़ा सा पेट भरा है थोड़ा खाली है, जिसको थोड़ी सी शिक्षा मिली है और पूरी तालीम नहीं मिली, जिसको बिरसा फुले अम्बेडकर का नाम जानता है लेकिन उससे ज़्यादा राम और कृष्ण को जानता है। धीरे धीरे अब एक समय आएगा धर्म पर। अच्छा, दूसरी बात क्या है, नफरत का काम हमेशा आसान होता है,
धर्म के नाम पर नफरत फैलाना, अंधविश्वास फैलाना आसान काम है। तर्क और विवेक का काम है बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार का, ललई का। बहुजन राजनीति को कहां देखते हो? बहुजन राजनीति हाशिए पे है, बिल्कुल हाशिए पर नहीं है। चाहे तेजस्वी यादव हो बिहार में, चाहे यूपी में मायावती की बात कर लें, अखिलेश की बात कर लें, सब टुकड़ों में। देखिए मैं बचता हूं इन लोगों पर टिप्पणी करने से, नेताओं पर, क्योंकि मैं जब कहता हूं कि नेताओं पर टिप्पणी क्यों नहीं कर रहा हूं, तो बाबा साहब अपने जीवन में ढंग से कोई चुनाव जीत नहीं पाए थे। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाबा साहब क्या थे, इसको आप नहीं समझेंगे। लोहिया उस तरह के कोई पॉपुलर लीडर नहीं थे, एक आध दो बार चुनाव जीते फिर तो उनकी पार्टी का क्या हश्र हुआ। राजनीति एक बात है, सत्ता मिली आपको 90 के बाद, इस देश के बहुत बड़ी आबादी पर सत्ता में आए ये लोग, यूपी बिहार दोनों जगह बहुत बदलाव भी किया, अच्छा काम किया, लेकिन विचारधारा कहीं ना कहीं आज पीछे हो गई है। मंडल बनाम मंदिर की लड़ाई में, मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई में, बहुजन बनाम सर्वजन की लड़ाई में परशुराम का फरसा बीच में आ जा रहा है, गणेश बीच में आ गए, हाथी नहीं गणेश है। तो ये जो विचलन आया है ना, मुझे लगता है कि खामी यहाँ है। और समाज को आपने बहुत तैयार किया नहीं, चाहे सपा बसपा आरजेडी, अभी भी मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि राजनीति फेल हो गई है, एक दौर है, सत्ता उनके पास है, हिंदूवादियों के पास, मीडिया उनके पास खरीद लिया है, व्यापारी उनके पास है, पैसा लगा रहा है, तो सब कुछ उनके हाथ में, और एजेंडा उनका नफरत का है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि अब तो देश बचेगा ही नहीं भाई, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ऐसा कभी ना हुआ था ना होगा, ये गोडसे गोलवल कर हेडगवार सब हार गए। तो ये कुछ दिन की सत्ता मिली है, हम आप सब लोग हैं ना, ये बार एसोसिएशन वालों को कहा कि कार्यक्रम नहीं करने देंगे, यहाँ करा लिया, ये आपके इतने यूट्यूब चैनल चल रहे हैं ना, तो आप लोग भी तो बहुत कुछ उसके बाधा बने हुए, हम भी बाधा बने। मैं अभी भी मानता हूँ राहुल जी, इस देश में बहुसंख्यक आवाम हिंसक नहीं है, नफरती नहीं है, बस दौर ऐसा है कि विजुअलाइज ज़्यादा हो रहा है। हमारा वक्त आएगा, बिरसा फूले अम्बेडकर पेरियार लोहिया भगत सिंह का, ललई और जगदेव बाबू का, ये फिर से दौर आएगा। एक चरण है जो ट्रांजिशन का फेज़ है, जिसे हमको धैर्य से, थोड़ा सा झुक करके, थोड़ा सा विनम्र हो करके, जैसे अगर ओबीसी को आप चिढ़ाएंगे तो वो आपकी तरफ जाएगा कि हिंदू बनेगा, आसान तो उसको हिंदू बनना है, वो शूद्र नहीं बनेगा कभी, क्यों? क्योंकि वो शूद्र उस तरह से कभी नहीं रहा, सामाजिक रूप से वंचना नहीं झेली। जो दलित भाजपा में चला गया, जो दलित संघ में जा रहा है, आप उसको चढ़ाएंगे कि अरे तू संघी है, दो चार को और ले जाएगा, क्योंकि उसको वहाँ मलाई मिल जाएगी, समाज को नहीं मिलेगी, व्यक्ति को मिल जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि हमारा काम ये होना चाहिए कि जो अपने लोग हैं, जो वंचित शोषित 90% लोग हैं, जो उधर के खेमे में चले गए, प्रेम से समझा कर, संवाद करके, अपने वैचारिक पुरखों को ले जा करके उनके सामने रोज बात की जाए, रोज संघर्ष किया जाए, तब जाकर के हम उन्हें अपने पाले में खींचेंगे, धीरे धीरे हम अपना वंचितों शोषितों का भारत जरूर बना लेंगे। देश में युवा जो हाथ में फरसा लेके घूम रहा है, जो नफरत दिमाग मन मस्तिष्क में लेके घूम रहा है, क्या कोई ऐसा संदेश हो सकता है लक्ष्मण यादव की तरफ से कि उसको फूले अम्बेडकर ही बिरसा जो आप कह रहे हैं उसको पढ़ने के लिए या उसको बताने के लिए मजबूत? मैं उससे महत्वपूर्ण संदेश दे रहा हूँ, छोड़ दो बिरसा फूले अम्बेडकर को पढ़ना, इस देश के नौजवानों एक बात सोच के बताओ कि तुम्हारे घर में जब चर्चा होती है, जितने दंगाई बने हैं तुम्हारे घर में चर्चा होती है, तो कोई पूछता है ना कि बेटा क्या कर रहा है, तो बेटा कहता है मैं 12वीं कर रहा हूँ, 10वीं कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग मेडिकल कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ, अच्छा बड़ा होकर क्या बनेगा, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, ये बनूंगा, वो बनूंगा, सब करूंगा। आज क्या हो रहा है कि किसी से पूछो क्या कर रहा है, तो बेटा त्रिशूल ला करके मस्जिद पर अटैक करने जा रहा है। एक बार सोच के बताओ, क्या तुम्हारा बायोडाटा है, क्या तुमको ये इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है? धर्म संसद में खड़ा होकर के एक बाबा तोत फैलाए सब रहते हैं, ये मंदिर का चंदा सब जुटा करके 90% वंचित शोषित लोग उनको पैसा दे रहे हैं, और वहाँ से वो धर्म संसद के नाम पर नफरत बोल रहे हैं। तो नौजवानों जरा मुझे एक बात बताओ, जितना धर्म के नाम पर संगठन बना है, जिस भी धर्म के बने, तुम्हारी शिक्षा और रोजगार बर्बाद हो रहा है, उसके लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं करते? छोड़ो बिरसा फुले अम्बेडकर पेरियार, उनके लोग उनको जी लेंगे, उनको फिर से ले आएंगे। तुम अपने घर में बताओ ना, एक बार माँ बाप बैठ के बताएं कि नौजवानों के लिए किस बात पर चिंता होती है, उनकी पढ़ाई पर होती है कि नहीं, उनके रोजगार पर नहीं होती है? अरे तुम्हें बर्बाद किया जा रहा है, तुम्हें दंगे में इस्तेमाल करके छोड़ देंगे ये सारे दंगाई, अगली बार फिर कुछ और कर लेंगे, ये चुनाव जीत जाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए, 700 जिले हैं, 900 बीजेपी की ऑफिस बन गई है इस देश में, अरबों रुपए उनकी संपत्ति हो गई है, उनके नफरती नेताओं के बच्चे बेटियाँ बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तुम्हारे बच्चों को न शिक्षा मिले, रोजगार मिले, ये डॉक्टर इंजीनियर कितने जाते हैं मस्जिद पर हमला करने, हिंदू राष्ट्र बनाने हनुमान चालीसा पढ़ने। नौजवानों को मैं ये अपील कर रहा हूँ, भैया अपना भविष्य देख लो,
फिर जब वो अपने भविष्य पर लौटेगा तो बिरसा फूले अम्बेडकर, भारत का संविधान, भगत सिंह, अशफाक उल्ला, उधम अपने आप खोज लेगा, अपने आप भारत बच जाएगा। शुक्रिया।